सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आज मैं स्वास्थ्य संबंधित कुछ आवश्यक आदतों की चर्चा करूँगा। अगर आप खाना खाते समय इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप पेट संबंधित बीमारियों की शिकायत जल्दी नहीं करेंगे। अब वो जो कुछ आवश्यक जानकारी मुझे मिली खाना खाने के विषय में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यद्यपि यह लेख मुझे कहीं से मिला है और लेखक का नाम तो नहीं मालूम, किंतु मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए और मैं स्वयं करता भी हूँ। पहली चीज़ तो ये समझें कि जब तक आपको तेज भूख न लगे कदापि खाना ना खाएं, और खाना खाते समय थोड़ी सी भूख बची रहे तभी आप उठ जाएं। पेट में थोड़े से अन्न की जगह बची रहनी चाहिए, ये आवश्यक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको आलस्य है, चित्त में आलस्य है, तो कदापि खाना ना खाएं। और बहुत आवश्यक हो, खाना ही पड़ जाए, तो अति अल्प मात्रा में भोजन करना चाहिए, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अधिक खाएंगे तो होगा क्या, आमाशय पर बोझ बढ़ेगा और किसी न किसी रोग के शिकार होंगे, यानी कोई न कोई रोग पैदा हो जाएगा। लेमन है, सोडा है, बर्फ है या रेचन के लिए कुछ चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं तो आप इसकी आदत ना बनाएं। अधिक सेवन से आमाशय कमज़ोर हो जाता है। हाँ, यदि कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो इससे कोई हानि भी नहीं है, कभी कभी सेवन कर सकते हैं। और प्रतिदिन नियमित समय पर ही, नियत समय पर ही भोजन करें, और नियमित भोजन करें। बहुत अधिक वैरायटी का खाना एक साथ ना खाएं कि आप 56 भोग खाना शुरू कर दिए, वो भी ठीक नहीं है। और भोजन करने के तुरंत बाद कुछ लोग सो जाते हैं, ऐसा भी ना करें। भोजन करने के पश्चात थोड़ा सा टहलना अच्छा है। अगर तुरंत सो जाएंगे तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, तो ऐसा ना करें। भोजन को भली प्रकार चबा चबा करके खाएं और अति शीघ्र खाएं। अगर आप चबाते नहीं हैं, जल्दी जल्दी घटक करके खा जाते हैं, तो भी आपका नुकसान होगा, भोजन ठीक प्रकार से पचेगा नहीं। और अगर एक दो कौड़ी ही मुंह में डाल करके घंटों चबाते रहते हैं, ये भी उचित नहीं है। तो भोजन को अच्छी प्रकार से चबाएं, लेकिन जल्दी से जल्दी भोजन कर लें। अब पानी पीने के बारे में मैं बताता हूँ कि पानी घटाघट तुरंत तुरंत ना पिएं। अगर घटाघट पानी पिएंगे, बहुत तेज़ी में पानी पिएंगे, तो आमाशय की जो अग्नि है वो मंद हो जाएगी और मंदाग्नि रोग के आप शिकार हो जाएंगे। खाना कम पचेगा, भूख कम लगेगी, तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। घूंट घूंट करके ही हमेशा पानी पीना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे पुदीना है, जीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, ये पाचन में बहुत सहायक हैं, तो समय समय पर इनका प्रयोग करते ही रहना चाहिए। अगर रोटी आप बना रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि बिना छने आटे की ही रोटी बनाएं, क्योंकि आटे में जो चोकर होता है वो निकल जाने पर आमाशय के लिए जो फाइबर अच्छा था उसे तो आपने निकाल दिया, तो फाइबर की मात्रा अगर आपने बाहर कर दिया तो वो खाना आपको नुकसान करेगा, ठीक प्रकार से पचेगा नहीं।
फाइबर हमारे पाचन के लिए अति आवश्यक है, इसलिए जहाँ तक संभव हो बिना छने आटे की ही रोटी बनाएं। अब मैं दूध के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि दूध भूलोक का अमृत माना जाता है, किंतु दूध के साथ में अगर आप खट्टी चीज़ों का सेवन करेंगे तो ये विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। तो ध्यान रखें कि दूध के साथ में कभी भी भूल करके भी खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। और खाने में एक चीज़ और होती है सलाद, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये लोग बहुत सलाद के रूप में खाते हैं और मैं मानता हूँ कि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक है, किंतु निहार मुँह बिना कुछ खाए पिए बिल्कुल भी ना खाएं इसको। अगर खाली पेट तेज भूख लगने पर आप खीरा, ककड़ी या तरबूज का सेवन करते हैं तो पित्त बढ़ने की संभावना हो जाती है, यानी पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। और पूरा पेट खाना खाने के बाद भी इन चीज़ों का सेवन न करें, ककड़ी, खीरा, तरबूज, इनका सेवन न करें, नहीं तो अपच पैदा होती है और इससे स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंच सकता है। तो आशा है कि ये भोजन संबंधित जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। आप मेरे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर भी कर सकते हैं। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियोज आपको तुरंत तुरंत पहुंचते रहें। इसी के साथ में जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।